हेलो और नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ संजू और आज हम नाउन में नंबर के बारे में जानेंगे, जिसे हिंदी में वचन कहते हैं। तो नंबर बेसिकली होता है सिंगुलर और प्लूरल, मतलब एक वचन और बहुवचन। सिंगुलर एक वचन जो है वो एक जीव, जगह या चीज के बारे में बात करता है, जैसे कि रैट, टूथ, मैन, पेन, चूहा, दांत, आदमी, कलम। प्लूरल जो है बहुवचन, वो एक से ज्यादा जीव, जगह या चीज के बारे में बताता है, जैसे रैट्स, टीथ, मैन, पेंस। रैट्स मतलब चूहे, दांत मतलब पूरे दांत का सेट, मैन मतलब बहुत सारे आदमी, पेंस मतलब बहुत सारे कलम। यूजुअली हम एस ऐड करते हैं सिंगुलर को प्लूरल बनाने में, लेकिन इसके भी एक्सेप्शंस हैं। जैसे मैन जो है मैन बन जाता है और माउस जो है वो माइस बन जाता है। और ऐसे ही कुछ रूल्स हैं, करीब 8 रूल्स हैं। पहला तो रूल यही है जो एस लगाने वाला, एप्पल जो है वो एप्पल्स बन जाता है। दूसरा रूल है ई एस लगाने वाला, जैसे बेंच, बेंचेस बन जाता है। तीसरा वाई एंडिंग वाला, जो भी शब्द जब सिंगुलर से प्लूरल बनता है तो उसमें आई ई एस लग जाता है, जैसे कैंडी, कैंडीज बन जाता है। चौथा रूल ये है कि जो वाई एंडिंग वाला वर्ड है वो उसमें एस ऐड हो जाता है, जैसे टॉय, टॉयज। और पांचवा है जो एफ वाले वर्ड हो या जिनका एफ ई एंडिंग हो, वो वर्ड्स जो है वो उसमें वी ई एस लग जाता है, जैसे लोफ, लोफ्स बन जाता है, नाइफ, नाइफ्स बन जाता है। और हम अब छठवें रूल के बारे में बताते हैं। छठवां रूल ये होता है कि जो एस ई एंडिंग होता है, सॉरी, छठवां रूल ये है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो ओ से एंड होते हैं और उसमें ई एस लग जाता है, जैसे पोटैटो, पोटैटोज, टोमेटो, टोमेटोज। सातवां है कि पूरी स्पेलिंग चेंज हो जाती है, जैसे चाइल्ड, चिल्ड्रन, माउस, माइस। आठवां है जिनमें स्पेलिंग बिल्कुल ही चेंज नहीं होता, और इसके एग्जाम्पल है फिश और डियर। तो ये था आज का टॉपिक नाउन नंबर, और मैंने मेरे ख्याल से आपको छठवें वाले रूल में कंफ्यूज किया था। तो छठवां रूल भी सिंपल है, जो जैसे पोटैटो, टोमेटो, वो उसमें ई एस लग जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। इट्स बाय फ्रॉम संजू।